आज कुंदनपुर जंगल में बड़ा ही खुशी का दिन था, क्योंकि कुंदनपुर जंगल के राजा मुफासा के यहाँ उनके बेटे ने जन्म जो लिया था। बेटे के जन्म से सारे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जंगल की सारी प्रजा अपने अगले भावी राजा का स्वागत कर रही थी। महाराज मुफासा ने बेटे की खुशी में उसके आने का अभिषेक कर रहे थे और सारे जंगल की सीमाओं में दावत का ऐलान कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ खुशियां ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती। जल्द ही उन खुशियों पर किसी की ऐसी बुरी नजर लग जाती है जो उन खुशियों को एक ही पल में तबाह कर देती है। ऐसी ही एक बुरी नजर महाराज मुफासा के परिवार पर टिकी थी। वह बुरी नजर थी महाराज मुफासा के सगे भाई काली शेर की। काली, जिसे अपने भाई मुफासा के संतान के आने की कोई खास खुशी नहीं हुई। काली सबसे दूर अकेला अपनी गुफा में बैठकर अंदर ही अंदर ना जाने किस आग में जल रहा था। तभी मुफासा अपने भाई काली के पास आया। अरे अरे, देखो तो कौन आया है। खुद महाराज एक गरीब से मिलने चले आए। आइए महाराज, आइए। काली, आज तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें तुम्हारी भाभी और सिम्बा के अभिषेक में नहीं देखा। माफ कीजिएगा महाराज, शायद मैं भूल गया होगा। मैं जानबूझकर महाराज और महारानी की बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ। मैं तो महारानी की बहुत इज्जत करता हूँ। काली, तुम्हें आज कतार में सबसे आगे होना चाहिए था। मैं आगे ही था महाराज, लेकिन तुम्हारे बेटे के जन्म लेने से पहले। काली, तुम मुझे कभी पीठ मत दिखाना। नहीं महाराज, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। काली, तुम मेरी बात को धुतकार रहे हो। नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। आप बेवजह ही गुस्सा कर रहे हैं। काली, ये मत भूलना, मैं आज भी इस जंगल का राजा हूँ। हाँ मुफासा, ताकत से जंगल के राजा तुम हो। खैर, मेरे भाई तुम्हारा राज हमेशा बना रहे। काली सुनो, एक बात और याद रखना, इस जंगल का अगला राजा हमारा बेटा सिम्बा होगा, यानी तुम्हारा अगला महाराज सिम्बा है। अच्छा मुफासा, तो महाराज सिम्बा अमर रहे। जहाँ इतनी नफरतों के बाद भी मुफासा अपने भाई काली को खुद से अलग नहीं करना चाहता था, वहीं काले अपने भाई मुफासा को हमेशा खुद से अलग समझता था और हमेशा अपनी अलग रणनीतियां बनाता था। क्योंकि काले कुंदनपुर जंगल पर राज करना चाहता था, उसने हमेशा से इस जंगल पर राज करने का एक सपना देखा था। उधर मुफासा का बेटा, जिसका नाम मुफासा ने सिम्बा रखा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। मुफासा अपने बेटे सिम्बा को लेकर जंगल में घुमाने निकलता है। मुफासा एक पहाड़ी पर आ जाता है। वो देखो सिम्बा, जहाँ तक सूरज की किरणें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वहाँ तक सारा जंगल हमारा है। पिताजी, क्या ये सारा राज्य आपका है? हाँ बेटा, एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और सूरज की तरह ही ढलता है। सिम्बा, एक दिन यह सूरज मेरी सांसों के साथ डूबेगा और तुम्हारी सांसों के साथ फिर से उगेगा। अच्छा पिताजी, इसका मतलब ये सारी गौरव भूमि एक दिन मेरी हो जाएगी। सिम्बा, देश किसी एक का नहीं होता, तुम सिर्फ इस भावी साम्राज्य के रक्षक बनोगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, जो तुम्हें आगे चलकर निभानी होगी। पिताजी, इसका मतलब इस सारे जंगल में जितने भी पेड़, सारे तालाब, पहाड़ियाँ और वे काली पहाड़ी, वो सब मेरा हो जाएगा। नहीं सिम्बा, तुम उस काली पहाड़ी का नाम अपनी जुबान पर भी मत लाना, और ना ही तुम्हें वहाँ कभी जाना है। लेकिन क्यों पिताजी, अगर मैं जंगल का राजा हूँ तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। नहीं बेटा, वह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात का सदा ख्याल रखना। इधर मुफासा अपने बेटे को जंगल का राजा बनाने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसके भाई काली ने दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। सुखवा, उड़ती उड़ती खबर आई है, मेरा प्यारा भतीजा सिम्बा, उसकी तुम्हारे इस बंजर काली पड़ी जमीन को देखने की बहुत ख्वाहिश है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यारे भतीजे का स्वागत अच्छी तरह करो। आखिर वह हम सबका अगला महाराज जो है। ठीक है काली भाई, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर काली अपने भतीजे सिम्बा के पास पहुँचता है। क्या बात है मेरे भतीजे, तुम बड़े उदास लग रहे हो, आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारे महाराज को पसंद नहीं आई? नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पिताजी ने आज मुझे हमारे जंगल की सारी सीमाएं दिखाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस पूरे साम्राज्य का अगला राजा बनूंगा। अच्छा, ये तो तुम्हारे पिता ने तुमसे बिल्कुल सही कहा। क्या तुम्हारे पिता ने काली पहाड़ी के बारे में भी तुम्हें बताया? नहीं चाचा, बस इसी बात का मुझे दुख है, उन्होंने मुझे वहाँ जाने से भी मना किया है। अरे नहीं नहीं सिम्बा, ये तो भैया ने बिल्कुल सही नहीं किया। आखिर तुम होने वाले महाराज जो हो, इसलिए तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या चाचा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मैं कहीं भी जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सिम्बा,
क्यों नहीं, ये सारा जंगल तुम्हारा है। इस जंगल की हर छोटी बड़ी चीज सब पर तुम्हारा अधिकार है और एक राजा हमेशा सिर्फ अपना ही काम मानता है। तब अपने चाचा काली की बात मानकर सिम्बा एक दिन बिना किसी को बताए उस काली पहाड़ी पर चला जाता है। पिताजी ने बिल्कुल सही कहा था, ये काली पहाड़ी तो बड़ी ही अजीब जगह है, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। तभी इतने में कुछ खूनी लकड़ बगे सिम्बा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आओ सिम्बा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सिम्बा, हम इस काली पहाड़ी के हुक्मरान हैं। तुम जिस जगह पर खड़े हो वह जगह हमारी है। देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे यहाँ से जाने दो, अगर पिताजी को पता लगा तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं सिम्बा, जो भूल कर भी एक बार इस गंदी जगह पर आ जाता है वो बिना हमारी इजाजत के यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं जा सकता, और शायद आज तुम भी यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं जा पाओगे। लकड़ बग्गे सिम्बा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी इतने में मुफासा वहाँ आकर एक जोर की दहाड़ लगाता है। मुफासा की दहाड़ सुनकर सभी लकड़ बग्गे हैरान हो जाते हैं। पिताजी आप आ गए, देखे ना पिताजी, ये लकड़ बग्गे मुझे खाने की बात कर रहे थे। दुष्ट लकड़ बग्गो, मेरे बेटे से दूर रहना, अगर भूल कर भी तुम्हारी गंदी नजरें मेरे बेटे पर पड़ी तो मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा, मेरी ये बात ध्यान रखना। सिम्बा चलो यहाँ से। तब मुफासा अपने बेटे सिम्बा को वहाँ से ले जाता है। सिम्बा मैंने तुमसे वहाँ जाने के लिए मना किया था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना। उधर काली लकड़ बग्गो के पास पहुँचता है। बेवकूफो, तुम यहाँ एक चींटी तक नहीं छोड़ते, लेकिन तुमने आज मेरा भेजा हुआ शिकार छोड़ दिया। मैंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया था लेकिन तुम सबने वो भी हाथ से गवा दिया। क्या करें काली, तुम्हारा भाई मुफासा, उसकी ताकत के आगे हमारी एक नहीं चलती, उसके सामने हम चाकर भी सिम्बा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। बेवकूफो, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमें सिम्बा का नहीं खुद खुद मुफासा का शिकार करना होगा। लेकिन काली हम तुम्हारा साथ क्यों दें? क्योंकि जब मुफासा नहीं रहेगा तो मैं बनूंगा जंगल का महाराज, और मुफासा ने जो जंगल पर तुम्हारे शिकार पर रोक लगा रखी है मैं उसे हमेशा के लिए हटा दूंगा। फिर तुम जंगल में कभी भी किसी का भी शिकार आसानी से कर पाओगे और अपने भूखे पेट को भर पाओगे। तब प्लान के मुताबिक एक लकड़ बग्गा मुफासा के पास जाकर उससे कहता है, मुफासा तुमने जो हमारे शिकार पर जंगल में रोक लगा रखी है हम तुम्हारे उस हुक्म को नहीं मानते हैं, और आज हम जंगल में दिल खोलकर शिकार करने वाले हैं। लकड़ बग्गे की बात सुनकर मुफासा गुस्से में आ जाता है। निर्लज्ज लकड़ बग्गे, लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर ले आई है। मुफासा लकड़ बग्गे को मारने के लिए उसका पीछा करता है। लकड़ बग्गा भागता हुआ मुफासा को लेकर एक घाटी में आ जाता है। मुफासा एक चट्टान पर खड़ा होकर नीचे घाटी में उस लकड़ बग्गे को ढूंढता है। तभी इतने में पीछे से काली वहां आकर मुफासा पर हमला कर देता है और मुफासा को खाई में धक्का दे देता है। मुफासा खुद को खाई में गिरने से किसी तरह बचाकर लटका होता है। बचाओ काली, मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, मेरे हाथ फिसल रहे हैं, काली जल्दी मुझे ऊपर खींचो। नहीं मेरे प्यारे भैया, आखिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, जो खुद अपने भाई को इस मुसीबत में लेकर आया है वह तुम्हें कैसे बचा पाएगा? काली ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो काली मुझे ऊपर खींचो वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। काली मुफासा की एक नहीं सुनता और उस पर एक जोरदार हमला करता है। काली के हमले से मुफासा पहाड़ी से नीचे खाई में गिर जाता है और वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देता है। जब सिम्बा और उसकी माँ जंगल में मुफासा की लाश देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। पिताजी ये आपको क्या हो गया, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आपने मुझसे वादा किया था पिताजी आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे, फिर आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए पिताजी? सिम्बा बेटे मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मुफासा मेरा भी भाई था, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होगी। अब अगले दिन काली जंगल में एक ऐलान करता है। सुनो जंगल वासियों, मेरे भाई मुफासा ने मरने से पहले मेरे भतीजे सिम्बा को इस जंगल का राजा घोषित किया था, लेकिन सिम्बा अभी बहुत छोटा है, इसलिए जब तक सिम्बा बड़ा नहीं हो जाता तब तक इस जंगल को मैं संभालूंगा, इसलिए आज से मैं तुम सबका महाराज हूँ। इस तरह काली अपने भाई मुफासा को रास्ते से हटाकर जंगल का राजा बन जाता है। लेकिन एक रात अचानक से एक गाय भागती हुई सिम्बा की माँ के पास आती है।
महारानी जी, मुझे आपको एक बहुत बड़ा राज बताना है। हमारे महाराज मुफासा की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। गाय, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसा कौन कर सकता है? महारानी जी, इस सब के पीछे महाराज मुफासा के भाई काली का हाथ है। ये सब कुछ काली ने किया है। काली ने लकड़ बग्गों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और धोखे से महाराज को घाटी तक ले गया और फिर काली ने महाराज पर पीछे से हमला करके उन्हें खाई में गिराकर मार डाला। ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा था उस दिन। महारानी जी, आप सिम्बा को लेकर फौरन यहाँ से चली जाइए, वरना काली सिम्बा को भी नहीं छोड़ेगा। शेरनी गाय की बात सुनकर हैरान हो जाती है। शेरनी गाय की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वह सिम्बा को लेकर रातों रात जंगल से गायब हो जाती है। अब कुछ वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। काली के राज में जंगल में अत्याचार होने लगते हैं। भूखे लकड़ बग्गे जंगल में अपनी मनमानी करने लगते हैं और जब चाहे उसका शिकार करने लगते हैं। जंगल के जानवर काली के राज में बहुत दुखी रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा भी अब बड़ा हो गया था। तब एक दिन सिम्बा अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने मुझे आज तक एक बात नहीं बताई कि आप पिताजी की मौत के बाद मुझे यहाँ इस जंगल में क्यों लेकर आ गई? आखिर हमने अपना जंगल क्यों छोड़ दिया माँ? तब सिम्बा की माँ उसे सारी बात बताती है कि किस तरह उसके चाचा काली ने उसके पिता को धोखे से उसकी हत्या की थी। अपने पिता की कहानी सुनकर सिम्बा को बहुत दुख होता है और उसे अपने चाचा काली पर बहुत गुस्सा आता है। माँ, चाचा काली ने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। उन्होंने मेरे मासूम पिताजी को मारा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं काली का अंत कर दूंगा। तब सिम्बा एक दिन अपने जंगल वापस लौटता है और काली के पास पहुंचता है। काली सिम्बा को देखकर हैरान हो जाता है। सिम्बा, तुम जिंदा हो मेरे बेटे, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मेरा खून आज भी जिंदा है। काली, ये दिखावे का नाटक बंद कर। मुझे सब पता चल चुका है, तू मेरे पिता का हत्यारा है। आज मैं तुझसे अपने पिता का बदला लेने आया हूँ। नहीं नहीं सिम्बा, नहीं नहीं सिम्बा बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ बेटे, तुम मुझे नहीं मार सकते। तब सिम्बा काली की एक नहीं सुनता और काली पर जोरदार हमला करता है और अपने चाचा काली को वहीं खून से नहला देता है। इस तरह सिम्बा चाचा काली को मारकर अपने पिता की मौत का बदला काली से ले लेता है और फिर अपने जंगल का राजा बनकर अपने पिता के जंगल को संभालता है।